पूर्ण सुख, पाप दुख और पूर्ण सुख क्या चाहिए? सुख चाहिए। सुख चाहिए तो क्या करें? पापों से बचो। दूसरा कारण पुण्य की प्राप्ति। दूसरा कारण क्या है? आप चाहोगे तो भी पुण्य मिलेगा, नहीं चाहोगे तो भी पुण्य मिलेगा। इसलिए पहले कारण को पकड़ लेना, पाप से बचना। क्या कारण है धर्म करने का? पाप से बचना। पाप से बचना है तो पुण्य में अपने आप, यानी दीपक जलेगा तो अंधेरा डंडा लेके भगाना पड़ेगा क्या? हैं कि भाई चलो दीपक तुम जलाओ, मैं डंडा लेके खड़ा होता हूँ, जैसे ही दीपक जलेगा मैं डंडा से भगा दूंगा सारे अंधकार को। ऐसा करना पड़ता है क्या? नहीं। क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं करना पड़ता। तुमने दीपक जलाया और उजाला हो गया, है ना? ऐसे ज्ञान का दीपक जला, भक्ति का दीपक जला, त्याग व्रत का दीपक जला, स्वाध्याय का दीपक जला, सेवा का दीपक जला, तो जो दुख है, जो पाप है का अंधकार है, वो अपने आप भाग जाएगा। ठीक है। अब धर्म किस लिए करते हैं? पापों से बचने के लिए। आप पापों से क्यों बचना चाहते हैं? क्योंकि दुख से बचना चाहते हैं। तो ये तो छोटा मोटा काम हो गया। जैसे कि एक दुख से बचे, दूसरे दुख से बचे, तीसरा खड़ा है, तीसरे को से बचे, चौथा खड़ा है, चौथे से बचे, पांचवा खड़ा है। यानी एक दुख से, यहाँ दुखों की कमी नहीं है, लाइन लगी पड़ी है दुखों की। जैसे कर्म है, विश्रोपचय कर्म है, किसे कहते हैं? यानी कि लाइन लगी है कर्मों की, तुम भाव बनाओ और हम आके चिपके। ऐसे कर्मों की लाइन लगी पड़ी है, कहीं से आना नहीं पड़ता है, यहीं खड़े हैं सारे कर्म है, तुम भाव बनाओ और वो चिपके। इसको कहते हैं विश्रोपचय कर्म है, इसे कहते हैं। ऐसे ही दुखों की लाइन लगी है, तुम एक दूर करोगे, अरे बोलिए ना, तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, तुमने सिर की गोली खाई, क्या हुआ? गैस बन गई। चलो गैस का इलाज किया, पता चला अब आँखों में थोड़ा दर्द हो गया, आँखों का इलाज किया, पता चला घुटने खराब हो गए, घुटने का इलाज किया, पता चला कमर में दर्द हो गया, अरे बोलिए ना, हैं? यानी दुख लाइन से खड़े हैं, तो एक को हटाओ दूसरा, दूसरे को हटाओ तीसरा, तीसरे को हटाओ चौथा, तैयार खड़े हैं। बचपन से अभी तक क्या कर रहे हो? बचपन से लेके अभी तक क्या किया है? दुखों के भगाने के अलावा कोई और काम किया क्या? नहीं किया है। खत्म हुए? नहीं हुए। जैसे एक माली था, उसने एक बगीचा लगाया, तो एक बार उसे बाहर जाना था, तो बाहर जाने के लिए अब पेड़ों को पानी कौन दे? यदि पानी नहीं मिलेगा पेड़ सूख जाएंगे। तो माली ने अपने बेटे से कहा, बेटे मैं बाहर जा रहा हूँ, तू एक काम कर देना, पेड़ों को पानी दे देना। जो बेटा था वो अपने पिताजी का आज्ञाकारी बेटा था, बोले पिताजी आप चिंता मत करो, आपसे ज़्यादा सेवा करूँगा मैं, आप जितनी करते हो इससे ज़्यादा समय लगाऊँगा, इससे ज़्यादा सेवा करूँगा। अब पिताजी चले गए, अब उसने तो ये देखा था कि पिताजी ने यूं पानी डाला जड़ में, दूसरे पेड़ पे पहुंच गए, दूसरे में डाला तीसरे पे पहुंच गए। उसने कहा मैं ये तो केवल जमीन में पानी डालते थे, मैं एक एक पत्ते को पानी डालूंगा, एक एक डाली को पानी दूंगा, एक एक फूल को पानी दूंगा। बाल्टी उठाई, एक कपड़ा लिया, एक पत्ती पकड़ी पानी डाल दिया, दूसरी पत्ती पकड़ी पानी डाल दिया, एक फूल पकड़ा पानी डाल दिया। यानी एक जड़ में पानी डालने में कितना समय लगता है और एक एक पत्ती डालने में, पत्ती में डालने में कितना समय लगता है। बेचारा पूरा दिन लगा दिया, सुबह से शाम तक केवल वो पानी ही देता रहा। 8 दिन बाद पिताजी आए,
देखा तो बाघ मुरझा गया। बोले बेटे पानी नहीं दिया? बोले पूरा पानी दिया। तो तूने पानी दिया कहाँ? सारे पेड़ तो सूख रहे। पिताजी आपसे ज़्यादा पानी दिया, आपसे ज़्यादा मेहनत करी, आपसे ज़्यादा टाइम लगाया। तो बेटे फिर तेरा ये जो तूने टाइम लगाया वो नज़र तो नहीं आ रहा है कि तूने पानी दिया है। पिताजी मैंने एक एक पत्ती को पानी दिया है, एक एक फूल को पानी, डाल को पानी दिया है। अरे बेटा जड़ में पानी डाल देता तो फूल और पत्ती में तो पानी अपने आप पहुंच जाता है ना। अभी धर्म कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? बेटी की शादी हो जाए। अभी धर्म कर रहे हो, दुकान अच्छी चले। अभी धर्म कर रहे हो, स्वास्थ्य ठीक हो जाए। अभी धर्म कर रहे हो, मकान बन जाए। अभी धर्म कर रहे हो, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाए। अभी धर्म कर रहे हो, बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, है ना। अभी एक एक दुख को दूर करने के लिए धर्म कर रहे हो। अब इनको हटाओ, आत्मा की विशुद्धि के लिए धर्म करना है, मन की शांति के लिए धर्म करना है, आत्मा के सुख के लिए धर्म करना है। ये बाहर के दुख तो अपने आप भाग जाएंगे, है ना। अभी तो हम गिन गिन के धर्म कर रहे कि भगवान जी ये पूजा शरीर के लिए, ये पूजा दुकान के लिए, ये पूजा बच्चों के लिए है, और बिन जाने ते जान के रही टूट जो, और कोई गलती हो गई हो, पूजा रह गई हो तो आप समझ लेना। अभी तो हम धर्म इसके लिए कर रहे नहीं, धर्म आत्मा के लिए करो, धर्म पापों के नाश के लिए करो, धर्म आत्मा की विशुद्धि के लिए करो, और धर्म करो मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और जहाँ मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपने भाव बनाए तो ये संसार के छोटे मोटे दुख हैं ये अपने आप भाग जाएंगे, भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञान का दीपक जलाओ तो अज्ञान का अंधकार अपने आप भाग जाता है। ये है धर्म करने का कारण। क्या कारण है? अच्छा मोक्ष जाना है। हमारी बहन जी दीक्षा ले रही हैं, क्यों ले रही हैं? अरे बोलिए ना भाई, उद्देश्य तो होगा ना। बिना उद्देश्य के तो इतनी कठिन तपस्या करेंगे नहीं, उद्देश्य तो होगा ना। क्यों ले रहे दीक्षा? हाँ? समाधि, समाधि क्यों करना भाई? समाधि अभी संसार में ही है, समाधि का मतलब भी संसार ही है, तो समाधि क्यों करना? मोक्ष जाने के लिए, है ना। तो हमारी यात्रा शुरू कहाँ से हुई थी? निगोद से। कहाँ से शुरू हुई? निगोद से। हम कहाँ से निकले हैं? निगोद से। और कहाँ पहुँचना है? मोक्ष पहुँचना है। तो क्या ये यात्रा सहज सरल है? निगोद से निकले हैं तो क्या सीधे डायरेक्ट हम मोक्ष में पहुँच सकते हैं कि सीधे निगोद से निकलें और सीधे मोक्ष में पहुँच जाएं? ऐसा संभव है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। इतने स्टेशन मिलेंगे, इतने स्टेशन मिलेंगे, और इतने बड़े बड़े स्टेशन हैं कि स्टेशन में घूमते घूमते तुम्हें ये लगेगा कि मुझे अब गाड़ी में तो चढ़नी नहीं है, ये स्टेशन ही मेरा घर है। मान लो निगोद से निकले, जल कायिक जीव बने, ठीक है, एक इंद्री में जाएंगे ना पहले, तो क्रम तो यही है। आक्रम बहुत कम जीवों के साथ होता है, क्रम ज़्यादातर जीवों के साथ में होता है। तो सबसे पहले मान लो हम जल कायिक जीव बने और एक समुद्र में बन गए। अब उस समुद्र में बस आयु पूरी हुई, फिर वहीं जन्म ले लिया, फिर मरण किया, फिर वहीं जन्म ले लिया, फिर मरण किया, फिर वहीं जन्म ले लिया। एक शहर का या एक देश का तट पूरा करने में हजारों वर्ष लग जाएंगे। और कितना समुद्र कितना बड़ा है? यदि समुद्र में जितना स्थान है, हर स्थान पर हम जन्म लें, समुद्र के जहाँ जहाँ पानी है वहाँ वहाँ हर स्थान पर जन्म लें, कितना समय लगेगा? अरे बोलिए ना, उसमें असंख्यात काल, अनंत काल बीत जाएगा एक समुद्र में। और समुद्र कितने हैं? असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं। जल कायिक में चले गए, वहाँ से निकलना मुश्किल,
अग्नि कायिक में चले गए, वहाँ से निकलना मुश्किल। वनस्पति में चले गए, वहाँ से निकलना मुश्किल। पृथ्वी कायिक बन गए, वहाँ से निकलना मुश्किल। वायु कायिक बन गए, वहाँ से, यानी इन पर्यायों में जहाँ चले जाएं वहीं से निकलना मुश्किल है, क्योंकि पुरुषार्थ तो है नहीं वहाँ, कुछ कर तो सकते नहीं। यहाँ तो आप पुरुषार्थ कर सकते हो, यहाँ तो आप पूजा कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, दान दे सकते हो, यहाँ वैयावृत्ति कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, सामायिक कर सकते हो। एक जल का एक जीव क्या कर सकता है? जीवन है तो जी लिया, मरण आया तो मर लिया, क्या है? हैं, जन्म मिला तो जी लिया और मृत्यु आई तो मर गए। वहाँ तो यही है ना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अपने हाथ में कुछ भी नहीं, एक इंद्री में कुछ नहीं है। फिर बड़ा एक समय आया, काल आया, कुछ विशेष उपलब्धि आई, काल पुरुषार्थ, काल लब्धि आई, एक इंद्री से निकले तो दो इंद्री बन गए। क्या बन गए? दो इंद्री। बड़ा पुण्य आया होगा उदय में, तब एक इंद्री से निकल कर दो इंद्री में प्रमोशन हुआ, लेट बन गए, कैचुआ बन गए, चलो थोड़ा तो प्रमोशन हुआ, जिभ्या मिल गई, घूम चलना फिरना मिल गया, खाना पीना थोड़ा उससे विशेष हो गया। तीन इंद्र से निकले तो चींटी बन गए, अपने पसंद का भोजन कर सकते हैं। अरे बोलिए ना, कैसे? मिठाई कहाँ रखी है? तुम्हें पता ना हो, वह चींटी को पता है, हैं? अपना पसंद का भोजन कर लेती है जाके। इतना तो आगे बढ़ गए। फिर चार इंद्री बने, मच्छर बने, मक्खी बने। तो मच्छर बने, फिर क्या हुआ? मच्छर क्या करता है? तुम्हें गाना सुनाता है, नहीं सुनाता? सुनाता है ना, घूम घूम के चारों तरफ गाना सुनाता है, उसके बाद फिर डंक मारता है, खून पीता है। क्या पसंद है उसे? खून पसंद है। यानी आप ये देखो, दो इंद्री भी मांसाहारी, तीन इंद्री भी मांसाहारी, चार इंद्री भी मांसाहारी। इनमें ज्ञान नहीं है लेकिन मांसाहार है। शाकाहारी होना बड़ा पुण्य का उदय है, बहुत पुण्य का उदय है जो आप शाकाहारी बन के बैठे हो। फिर पंचेंद्री बने, चूहा बने, तो चूहा भी क्या समझते? शाकाहारी है। चूहा भी मांसाहारी है, हैं? बिल्ली भी मांसाहारी है, कुत्ता भी मांसाहारी है। ये शाकाहारी जानवर गाय, भैंस, है ना, हाथी, घोड़ा, बंदर, और तुम्हारे हिरण। बंदर भी मांसाहारी है, जुआ खाता है। लो, बंदर का भी मामला साफ। पंचेंद्री बन गए, संगी बन गए, मन मिल गया, लेकिन अभी योग्यता धर्म करने की नहीं आई। फिर कोई पुण्य का उदय आया तो हम मनुष्य बन गए। अब मनुष्य में भी भारत का मनुष्य। कौन सा मनुष्य? अमेरिका में नहीं है, जापान में नहीं है, चाइना में नहीं है, जहाँ धर्म ही नहीं है, जहाँ केवल खाओ पियो और मौज करो, मशीनें बनाओ और मशीनों का उपयोग करो और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दो, हैं? कहाँ के मनुष्य बने? भारत के मनुष्य बन गए। भारत में भी जहाँ पर जिन धर्म हैं, जहाँ पर हे उपादेय का ज्ञान है, जहाँ पर अनुकूलता है धर्म करने की, मंदिर पास में है, जिनवाणी भी मिल गई, गुरु भी मिल गए, हैं, सुनाने वाले भी मिल गए, सुनने की भावना भी मिल गई। सब कुछ मिलने के बाद में यदि सुनने की भावना ना हो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर जाते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं, जा पूजा कर किया, मैं बाहर बैठा हूँ। बोलिए हाँ या ना? यानी सब कुछ अनुकूलता होने के बाद धर्म कर लो, ये महापुण्य है, तब तुम धर्म कर पाओगे, पूजा कर पाओगे, वरना तुमसे धर्म भी होने वाला नहीं है, सब कुछ मिलने के बाद भी। ये बहुत बड़ा टारगेट है। जैसे कि
25,000, 50,000 या 50 लाख बच्चे एक किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं और उसमें से केवल 10,000 निकलते हैं, ऐसे ही जैन कुल में यदि 50,00,000, 1,00,000 मनुष्य पैदा होते हैं तो कुल 10,000, 20,000 ही होंगे या 10-20 लाख होंगे जो धर्म करते हैं। यानी तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि तुम सिलेक्ट हो गए, तुम्हारी भावनाएं आ गई हैं और तुम करने लगे हो, ये बहुत बड़ी बात है। वरना सब खेल खिलौनों में लगे हैं, किसमें लगे हैं, है ना। एक छोटा बच्चा होता है, उसे खेलने के लिए क्या चाहिए, गुड्डा गुड़िया चाहिए कि नहीं चाहिए, हैं। जब आपके साथ वो तीर्थ यात्रा पे आता तो क्या करता है, ये खिलौना दिलवा दो, ये खिलौना दिलवा दो, वो गुड्डा दिलवा दो, वो गुड़िया दिलवा दो, और अपना खेल में मस्त रहता है। ठीक है, बच्चा है, छोटा है, खेल खिलौने चाहिए। आपको खेल खिलौने नहीं चाहिए? अरे बोलिए ना, नहीं चाहिए आपको? क्यों भाई, क्यों नहीं चाहिए? वो तो नकली खेल खिलौना खोलता खेलता है, यानी नकली गुड्डा गुड़िया से खेलता है। तुम बड़े हुए, तुम्हें असली चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? जब तक घर में असली गुड्डा गुड़िया ना आ जाए कितनी टेंशन रहती है, जब तक असली गुड्डा गुड़िया ना आ जाए भगवान से जाके 10 जगह प्रार्थना करते हो कि भगवान एक गुड्डा गुड़िया दे दे, मन नहीं लग रहा है, उसके बिना जिया नहीं जा रहा है, बड़ी याद आ रही है। बोलिए हाँ या ना, जो काम बच्चा कर रहा है वही काम बड़ा कर रहा है, बस अंतर इतना है कि वो प्लास्टिक के गुड्डा गुड़िया से खेल रहा है। और खेल सब रहे हैं, संसार में खेलने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। बचपन में थे तो जब रेत कहीं खट्टी हो जाती थी तो रेत में अपना घर बनाते थे, है ना। और फिर भाई तू अपना घर वहाँ बना, तू अपना घर वहाँ बना, 5-7 बच्चे इकट्ठे हुए, रेत को फैला लिया और अपना अपना घर बना लिया, और उसके बाद जब गए तो अपना मिटा के चले गए, हैं। इसने इसका मिटा दिया, इसने इसका मिटा दिया, इसने इसका मिटा दिया। बड़े हुए तो तेरी ज़मीन वो है, तेरी ज़मीन वो है, तू अपना मकान बना, मैं अपना मकान बनाऊँ। बोलिए हाँ या ना, काम तो बच्चे वाले ही कर रहे हैं। इसीलिए मिथ्या दृष्टि का जो मरण होता है उसे बाल बाल मरण कहा है। मिथ्या दृष्टि के मरण को क्या कहा है, बाल बाल मरण, कि संसार में आके तू बालक ही रहा, तू बड़ा नहीं हुआ। बड़ा कब होगा, जब ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान आने के बाद ही ये बाल शब्द हटता है। चौथा गुण स्थान आया, सम्यक दृष्टि बन गया, मगर भी चारित्र नहीं आया ना, अभी भी तू बाल है। जब चारित्र आएगा तब तेरा बाल हटेगा, इसके पहले से बाल हटने वाला नहीं है। बालक बनकर जी रहे हैं, चाहे वो 9 साल का हो और चाहे वो 90 साल का हो। जो काम बच्चा कर रहा है, जैसे छोटे बच्चे थे तो क्या करते थे, हैं, एक एक छोटे छोटे गुड्डा गुड़िया ले लेते थे। आप लोगों ने खेला होगा ना। अब आजकल के बच्चे तो मोबाइल में खेलते हैं। पहले के जो बच्चे, आप सब पहले वाले बच्चे हो, तो पहले वाले बच्चे गुड्डा गुड़िया ले लेते थे और फिर वो सब बच्चे, मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, है। एक तेल लेके आता था, एक आटा लेके आता था, एक दाल लेके आता था, एक चीनी लेके आता था, और एक दिन पार्टी होती थी, है ना। एक सिगड़ी लेके आता था, एक बर्तन लेके आता था, एक का घर फिक्स किया जाता था। फिर आपस में बनते थे, देख तू पापा है, ये मम्मी है, हम सब बच्चे हैं, है ना, हम सब बच्चे हैं, और ये हमारे पड़ोसी हैं, ये दादाजी हैं, ये दादी जी हैं, और फिर खेल खेलते थे। फिर दिन ख़त्म हो जाता था, खेल ख़त्म हो जाता था, अपने अपने घर चले जाते थे। वो खेल एक दिन का था, ये खेल 80 साल का है। खेल तो खेल है, खेल तो खेल है, चाहे एक दिन का हो
या 80 साल का हो, खेल तो खेल है। वो बच्चे एक परिवार के नहीं होते थे, अलग अलग परिवार के होते थे। तो तुम्हारे घर में जो लोग हैं वो क्या एक ही परिवार के हैं? दादा कहाँ से आए, दादी कहाँ से आई, पापा कहाँ से आए, मम्मी कहाँ से आई, बच्चे कहाँ से आए, सब यहाँ वहाँ से इकट्ठे हो गए आके। और जिसका टाइम आएगा वो उड़ता चला जाएगा, है? तो यानी जैसे हमने संसार में निगोद से निकलने के बाद अन्य भाव खत्म किए हैं, ऐसे ही हम अपना ये मनुष्य भाव भी ज्ञान के बिना ये भी खत्म कर देते हैं। और आगे अन्य भावों को धारण करने के लिए हम भी चले जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना, है ना? हम कौन हैं? आपका नाम क्या है? हैं अमित, आपका नाम क्या है? हैं कैलाशन जी। अच्छा, कितने ये नाम आप जब जन्म लिया था तो आपके साथ पहले से आया था या यहाँ आके मिला था? अच्छा, यहीं मिला था। अच्छा, और जब जाओगे तब तो फिर आपका नाम कहाँ हुआ? ये फिर ये आपका नाम नहीं, जो चीज़ छूट जाए वो आपकी नहीं, जो आपके साथ जाए वो आपकी है। अब बताइए आपका नाम क्या है? आत्मा है। मेरा नाम क्या है? आत्मा है। ये नाम तो यहाँ मिला था, मिली हुई चीज को अपनी बना ली। यही मोह है। मोह क्या करता है? जो मिला मेरा है, जो मिला वो मेरा है। मिली हुई चीज में मिली है, मेरी नहीं है। जो मेरी है वो मिलती नहीं है, वो मेरे पास ही रहती है। मैं आत्मा हूँ। कौन हूँ? अरे जोर से बोलिए ना। नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, आप लोग हैं? यदि किसी का फोन आया आपको, भाई साहब आप कौन बोल रहे हैं, आप कहना मैं आत्मा बोल रहा हूँ। अरे बोलिए ना, वो फोन ऐसे काटेगा और पसीना पसीना हो जाएगा, ये मैंने फोन कहाँ मिला दिया। यानी यहाँ पर सारे एक ही क्वालिटी में जी रहे हैं। यदि आत्मा शब्द बोल दिया जाए तो इंसान ऊपरी बाधा ही समझेगा। आत्मा शब्द से वो खुद को नहीं समझेगा, आत्मा शब्द से परिचित ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ। आत्मा शब्द को जानो, पहचानो गहराई से। ना मैं कैलाश हूँ, ना मैं पलाश हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ये काम होता है सामायिक में बैठकर। जब सामायिक में बैठते हैं पूरा निरीक्षण परीक्षण चलता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या कर रहा हूँ, यहाँ कितने दिन के लिए आया हूँ, मुझे और क्या क्या करना चाहिए, मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या सही किया, ये काम होता है सामायिक में बैठ के। और सामायिक करते नहीं है। अरे बोलिए ना, कितने लोग हैं जो सामायिक करते हैं रोज? एक, दो, तीन। और जो मैंने कहा वो करते हैं सामायिक में? हाँ, चलो एक हाथ उठा कि हम वो ही करते हैं सामायिक में। चलो बहुत अच्छी बात है, है ना? कम से कम एक सामायिक श्रावक को रोज करनी चाहिए। एक सामायिक तो के बिना तो आपका दिन निकलना ही नहीं चाहिए। और एक सामायिक होती है दो घड़ी की। कितने की? दो घड़ी का मतलब हाथ में जो बांधते वो वाली दो घड़ी। तो ठीक है माता जी, अपने कमरे में हम दो घड़ी लगा लेंगे तो सामायिक हो गई? नहीं, 24 मिनट की एक घड़ी। क्या? 24 मिनट की एक घड़ी और दो घड़ी की एक सामायिक, एक मुहूर्त होता है, है ना? एक मुहूर्त कितने का होता है? 48 मिनट का। और एक अंतर मुहूर्त कितने का होता है? एक समय से ज़्यादा और 48 मिनट में एक समय कम। बीच का जितना समय होता है
वे सारे अंतर मुहूर्त के अंतर्गत आते हैं। ये सारे अंतर मुहूर्त बोलते हैं, उसे शब्द तो सुना होगा ना, अंतर मुहूर्त की आयु रह गई है, अंतर मुहूर्त, ऐसा साधु संतों के प्रवचन में सुना होगा। तो ये अंतर मुहूर्त कहलाता है। तो एक मुहूर्त की सामायिक बताई गई है, तो एक सामायिक तो करना ही लगाओ, भी नहीं करना भी चाहिए, नहीं करना ही चाहिए। जैसे आप अपनी मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हो ना, मोबाइल चार्ज करते हो, एक घंटे में आराम से बहुत अच्छा हो जाता है। जो सही मोबाइल हो वो एक दो घंटे में आराम से चार्ज हो जाता है। ऐसे ही एक श्रावक यदि एक घंटा 48 मिनट सामायिक कर ले, पूजा कर ले, जाप कर ले, ध्यान कर ले, आहार दान दे दे, स्वाध्याय कर ले, तो वो भी चार्ज हो जाता है। और फिर दिन भर आराम से रहो, फिर आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। तो बंधुओं, संसार में आए हैं, क्या कर रहे हो? हम आपसे पूछें अभी तक आपने क्या किया, तो क्या कहोगे? खेल खिलौने से खेलते रहे। क्या किया? खेल खिलौनों से खेलते रहे। खेल खिलौनों में फ़र्क पड़ जाता है, मगर खेल खिलौने तो होते ही है। मन लगाने के लिए, मन खुद में नहीं लगता है, इसलिए खेल खिलौने की ज़रूरत है। तो साधु संतों के पास तो कोई खेल खिलौना नहीं है, फिर वो क्या करते हैं? उनका मन कैसे लगता? ना उनके पास दुकान है, ना मकान है, उनके पास ना खेल खिलौने हैं, ना बच्चे हैं, ना परिवार है, ना भोजन बनाना, ना रोटी बनाना, कुछ काम नहीं करना, फिर बोर नहीं हो जाते माता जी महाराज जी? अरे बोलिए ना, आप कभी सोचते नहीं हम लोगों के विषय में हैं? जो ज्ञान के अंदर प्रवेश कर गया, उसे किसी खेल खिलौने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वो फिर उसे अपना नजर आता है कि वास्तव में संसार क्या है, आत्मा क्या है, राग द्वेष क्या है, कषाय क्या है, पाप क्या है, सब दर्पण की भांति झलकने लगता है। कब? जब वास्तविक ज्ञान हो जाता है। तो साधु संत क्यों बनते हैं? अरे बोलिए ना, दीक्षा क्यों लेते हैं? दीक्षा क्यों लेते हैं? यदि घर गृहस्थी के काम छोड़े तो क्यों छोड़े? अहिंसा के लिए, पाप से बचने के लिए। किससे? पापों से बचने के लिए। और जितना समय वहां से बचा तो स्वाध्याय में लगा दिया, ध्यान में लगा दिया, स्व कल्याण में लगा दिया, पर कल्याण में लगा दिया, स्व पर कल्याण में लगा दिया। अरे बोलिए ना, तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे जोर से बोलिए ना, बोलिए आ गई। कहने माता जी यहाँ पर आई और बाहर जाके गई। फिर कहते हो माता जी अच्छा सा मंत्र दे दो। क्या कहते हो? अच्छा सा? अब इससे बड़ा और कौन सा मंत्र हो सकता है बताइए मुझे, है ना? चलिए, अभी आचार्य विभव सागर जी महाराज के पास से हमारे ब्रह्मचारिणी बहनें, ब्रह्मचारी भैया जी आए हैं, उनकी दीक्षा की तारीख फाइनल हो गई, 25 अक्टूबर। ठीक है, 25 अक्टूबर को आपकी दीक्षा है। अभी यहाँ पर गोद भराई का कार्यक्रम होगा। आप जो हैं कम से कम दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो गोद भर के अनुमोदना करें कि वो दिन कभी मेरे जीवन में भी आए कि हमारी भी ऐसी दीक्षा हो और हम भी वास्तव में मोक्ष के पथ पर चल पड़े। निगोद से निकले हैं तो मोक्ष में जाना है तो यही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अतीव्र भावना भाव,
तीव्र भावना भाने से, 16 कारण भावना भाने से तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। ऐसी तीव्र भावना भाने से जो आप चाहोगे वो हो जाएगा। लेने में शिक्षा का, नहीं मांगने में भिक्षा का, और होने वाली दीक्षा का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का, और पूरी भावना के साथ धर्म करने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी सोनागिर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और अतिशय क्षेत्रों में जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। हमारे भूपेंद्र जी और श्रीमती रेखा जी मुंबई से आए हुए हैं, और वहाँ पर मुनि सुव्रत नाथ भगवान के माता पिता बने थे, और अभी चर्चा हुई भूपेंद्र जी से, माता जी अब सब कुछ छोड़ना है, अब मुझे भी बस इसी मार्ग पर चलना है और सब कुछ छोड़ना है मुझे, ऐसी तीव्र भावना को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं धर्म के मार्ग पे, और इस तरह से, और श्रीमती रेखा भी इनके मार्ग में बाधा ना डालते हुए और इनके साथ साथ इनके पदचिन्हों पर पीछे पीछे चलती हैं। कि माताजी यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ मूल नायक में, मूल नायक चंद्रप्रभु भगवान के गर्भगृह का काम होना है, तो वहाँ पर 31 लाख रुपए की राशि आपने वहाँ के लिए बोली है। अच्छा, जो लगेगा वो, अच्छा ये आपकी तरफ से बनना है। एक बार जोरदार ताली बजा के आपका स्वागत करें। अच्छा, अब कहाँ वाले आए हैं? निवाई वाले। भोजन में खटाई का, बैठने में चटाई का, और आने वालों में निवाई का। और कहाँ से आए हैं? गुवाहाटी। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। हो गए सारे? अभी चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में पारसनाथ का। पृथ्वीपुर। गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में पृथ्वीपुर का बड़ा ही महत्व है। मंडीदीप। गाड़ियों में जीप का, मोती में सीप का, और आने वालों में मंडीदीप का बड़ा ही महत्व है। मुंगाड़ा। अच्छा, रहने में बाड़ा का, जनवरी में जाड़ा का, और आने वालों में मुंगाड़ा का बड़ा ही महत्व। सागर। शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में, हाँ जोर से बोलो, गोहाना वाले बैठे। अच्छा, रिश्तों में नाना का। अच्छा, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का, और आने वालों में हरियाणा गोहाना का बड़ा ही महत्व है। अब बहुत दिन के बाद शक्ल बदल जाती है।